बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करा मैं। और आज मैं बनाने लगी हूँ क्लब सैंडविचेस। तो सबसे पहले मैंने जो चिकन को मैरिनेट करना है, तो चिकन मैंने ले लिया था बोनलेस। उसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है साबुत, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है। इन सारी चीज़ों में मैं अच्छी तरह इनको मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। और दही मैंने लिया है 4 बड़े खाने के चम्मच। और फिर इसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए। और यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका था। अब मैं इसको चिकन को एक पैन में डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पे जी चिकन हमारा रेडी हो गया था। अब मैंने एक साथ अंडा भी उबाल लिया था और साथ थोड़ी सी सब्जियाँ भी कट कर ली थी। अब मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल्स को मिक्स करने लगी हूँ मेयो में। मैंने लिया है 4 टेबल स्पून मेयो, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है और थोड़ा सा चुटकी मैंने नमक लिया है। नमक मैं ज़्यादा नहीं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें सारी जो सब्ज़ियाँ ना मैंने काट के रखी थी वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने एक जो है ये लेयर लगानी है क्लब सैंडविच पे। मैंने जो एक अंडा बॉईल किया था उसको मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से उसको इस तरह प्रेस करके तो अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। देखो मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब मैं लूँगी 2 टेबल स्पून मेयो और इसमें मैं शामिल करूँगी चुटकी काली मिर्च और चुटकी ही नमक। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो मैंने अंडा मैश किया था ना वो इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने लिए सैंडविच ब्रेड, आप कोई भी सी भी ब्रेड ले सकते हैं। तो इसके जो मैंने किनारे हैं ना वो मैंने कट कर लेने हैं छुरी की मदद से। उसके बाद मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया था, उसके ऊपर मैं इसको सेक लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे पे या वैसे सिंपल जो होता है ना पैन उसमें भी सेक सकते हैं। सबसे पहले मैं एक स्लाइस लेके उसके ऊपर जो मैंने मेयो तैयार की थी ना वेजिटेबल्स वाली उसकी एक लेयर लगाऊंगी अच्छी तरह से। और यहाँ पे अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो अब तक पहले पहुँच सके। उसके ऊपर मैंने एक और स्लाइस रख दिया था और उसके ऊपर मैंने बारबेक्यू सॉस ना वो लगा दी थी। और सारा उसको अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद मैंने जो चिकन बनाया था वो इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छी तरह से।
उसके बाद एक और स्लाइस रख के उसके ऊपर जो मैंने अंडा बनाया था ना मेहू वाला, वो उसके ऊपर लगा दूंगी लेयर। अगर आप चाहें तो आप मेहू जो वेजिटेबल्स हैं ना उसके साथ भी अंडे को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं तो ज़रा और भी अच्छा लगता है। और साथ ही यहाँ पे मज़ेदार से फ्राइज़ बना रही हूँ जो कि हम इसके साथ सर्व करेंगे। और जी यहाँ पे जो है मेरा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया था। अब मैं इसको कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का बना है। और ये देखिए मज़ेदार से बारबेक्यू क्लब सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी मैं बात करूँगी इशाल के साथ क्योंकि आज मेरी बेटी को ना चोट लग गई थी। और ये देखिए इशाल ना पार्क गई थी तो आज मेरी बेटी को ना चोट लग गई है, देखें यहाँ पे ना आइस पे। मुझे ना मैं ना टीन से दिल दी, मैंने हाथ उड़ा था, मैं टीन से दिल दी थी। आप स्विंग से गिर गई थी, अब आप दोबारा नहीं ना हाथ छोड़ोगी, पकड़ के बैठोगी ना। वेरी गुड। फिर आप रोई थी जब आप गिरी थी? ज्यादा सारा रोई थी कम वाला रोई थी? ज्यादा वाला तो लोई थी। अच्छा तेरे 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 त